देवताओं, समाज सुधारकों, उद्धारकों की मूर्तियां हमें अपने पूर्वजों के प्रति एहसानमंद बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऐसी प्रतिमा बनाई जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। एक मीटर ऊंची ये विशालकाय प्रतिमा भारत के पहले गृह और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिन्होंने 500 से ज्यादा देसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। ये प्रतिमा न्यूयॉर्क में बने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊंची है। आज की तारीख में ये मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसने चीन में भगवान बुद्ध की 153 मीटर ऊंची प्रतिमा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस प्रतिमा को बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने ही इसका लोकार्पण किया था। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सरदार साहब की इस विशाल प्रतिमा को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। जिस प्रतिमा की भव्यता और विशालता को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, उसका कुल वजन 1700 टन है। इसको बनाने के लिए 4500 मजदूरों ने दो दो शिफ्ट में काम किया, जिनमें चीन से भी विशेषज्ञ कर्मियों को बुलाया गया था। इसमें 2000 मीट्रिक टन पीतल, 5700 मीट्रिक टन स्टील और लाखों टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ। ये मूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने का साकार होना है, जिसमें वो सरदार पटेल को उनके त्याग का सम्मान देना चाहते थे। लौह पुरुष के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के हर किसान के घर से लोहा मांगा था। मिट्टी मांगी गई थी और खेती में काम किए गए पुराने औजार इकट्ठे करने का काम चल रहा था। जब देश भर के लाखों गांवों, करोड़ों किसान परिवारों ने खुद आगे बढ़कर इस प्रतिमा के निर्माण को एक जन आंदोलन बना दिया, जब उनके द्वारा दिए औजारों से सैकड़ों मैट्रिक टन लोहा निकला और इस प्रतिमा का ठोस आधार तैयार किया गया। इसके निर्माण में करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया में सरदार पटेल की विशालकाय प्रतिमा बनाई, तो केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की। इसी तरह हैदराबाद के पास श्रीरामनगर में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा बनवाई, जिस पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी रखा गया। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, इसके रूप में समानता का संदेश दे रही है। इसी संदेश को लेकर आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ अपने नए भविष्य की नींव रख रहा है। प्रतिमाएं बताती हैं कि कोई समाज अपने इतिहास, परंपरा और धर्म को लेकर कितना जागरूक है।
उसी कड़ी में राम भक्त हनुमान की चार प्रतिमाएं देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी सरकार बनवा रही है। इसमें एक प्रतिमा गुजरात के मोरबी में है। मोरबी वाली 108 फुट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का लोकार्पण अप्रैल 2022 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। बाकी दो प्रतिमाएं तमिलनाडु और बंगाल में बनाई जा रही हैं।